सब्सक्राइब करें नईम एकेडमी चैनल को और पाएं लेटेस्ट वीडियो, और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आप तक पहुंच जाए। हाय एवरीवन, मैं आपका इंस्ट्रक्टर नईम। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस असाइनमेंट्स की रिक्वायरमेंट हमें बताई हुई है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि बेसिकली ये जो हमें रिक्वायरमेंट बताई हुई है एक फार्मेसी पे बताई हुई, दवाखाना जिसे बोलते हैं, ठीक है, उस पे मतलब एक डेटाबेस बनाना है। सो कहते हैं मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग इन अ हेक्टिक प्रोसेस, कि आप जब मैनुअल डेटा रखते हैं बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे आप स्कूल में देखें या हॉस्पिटल में देखें, अगर मैनुअली आप रिकॉर्ड रखेंगे तो काफ़ी मुश्किल होता है। सो उस पर्पज़ को, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए, एक डेटाबेस बनाया जाए जहाँ पे तमाम मेडिसिन जितना भी रिकॉर्ड है इनका टोटली स्टोर हो, ताकि यूज़र क्या करे उस वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करे और वो ऑर्डर उसे रिसीव हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भाई आपने एक ऐसा फार्मेसी सिस्टम बनाना है जिसके अंदर हमारे पास जितना भी डेटा है वो तमाम का तमाम स्टोर होगा, और इसके साथ साथ डॉक्टर जो है वो जब क्या कहते हैं पेशेंट को चेक करेगा, पेशेंट को चेक करने के बाद उसके पास डॉक्टर जो है ना उसे यहाँ पे देगा भाई प्रिस्क्रिप्शंस देगा, कुछ हिदायत देगा, ठीक है। एंड देन वो क्या करेगा कि वेबसाइट पे जाएगा और अपना ऑर्डर मतलब ऑर्डर करेगा भाई मुझे ये वाली मेडिसिन चाहिए, ठीक है। जब वो ऑर्डर करेगा उसके मुताबिक क्या होगा कि वेबसाइट के अंदर जब भी वो ऑर्डर करेगा मतलब ऑर्डर करने के बाद वो शॉपिंग कार्ड मतलब एड टू कार्ड करेगा, ठीक है, जो भी उसे मेडिसिन चाहिए सारी मेडिसिन के बाद फिर जो फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम है चेक करेगी और उसे ऑर्डर उसके उस तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। सो ये वाला सिस्टम है। अब बेसिकली इसके तीन रिक्वायरमेंट हमें ये बताए हुए कि आप लोगों ने इसका ड्रा कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनाना है और आइडेंटिफाई एंटिटीज देयर एट्रीब्यूट्स करना है और ड्रा द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाना है, ठीक है। सो ड्रा द कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, अब ये पहला वाला ये क्या होता है, देखें ड्रा द कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम का मतलब ये होता है कि जो भी आपको सिस्टम दिया होता है, ठीक है, उस सिस्टम के मुताबिक उस सिस्टम के अंदर मेन उसके कंपोनेंट क्या है, उसके मॉड्यूल क्या है, वो आपने लिखने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ड्रा द कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम मैंने बनाए हुए ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे जो ये मैंने बनाए हुए इसके अंदर बेसिकली क्या है, देखें इसके अंदर हमारे पास ये दरमियान में ये हमारे पास फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम आया और इसके जो मॉड्यूल हैं वो कौन कौन से हैं, एडमिन है, मैनेजर है, यूज़र है एंड डॉक्टर है। ये इसके चार मॉड्यूल हैं मेन, मतलब ये मेन मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल के अंदर होता है कि एडमिन होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब मेन मॉड्यूल होते हैं। सो यहाँ पर भी हमारे पास ये मॉड्यूल हैं। अब इनका काम क्या है, देखें यूज़र क्या करता है, यूज़र ऑर्डर करता है इस मैनेजमेंट सिस्टम को, ऑर्डर करता है कि भाई मुझे ये वाली मेडिसिन चाहिए, और ये क्या करती है ऑर्डर वापस भेजती है, यूज़र क्या करता है रिसीव करता है। अच्छा, डॉक्टर का क्या काम होता है, जो भी यहाँ से यूज़र ने अप्लाई किया था मेडिसिन के लिए, डॉक्टर क्या करता है चेक करता है, ठीक है, मेडिसिन को अच्छी तरह से चेक करके उसके बाद वो क्या कर देता है, गिव प्रिस्क्रिप्शंस वापस इसको, मतलब ये जो मेडिसिन है उसके मुताबिक हिदायत देता है कि भाई आपने ये कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है, ठीक है, और फिर ये सिस्टम इसे वापस जब रिसीव करेगा तो इसे सारी हिदायत वापस देगा। अच्छा, मैनेजर क्या करता है, मैनेजर जो मेडिसिन होती है उसको चेक करता है और इसके साथ साथ स्टाफ को अपडेट करता है, क्योंकि जो भी मेडिसिन आती है फिर उसके साथ साथ वो स्टाफ को अपना अपडेट करता रहता है, ठीक है। एक एडमिन एरिया होता है, एडमिन क्या करता है, एडमिन इन्वेंट्री लिस्ट एंड मेंटेन इन्वेंट्रीज, एडमिन क्या करता है इन्वेंट्री जितनी भी होती है उनको मेंटेन करते हैं, ये एडमिन का काम होता है, ठीक है। सो ये ड्रा कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एंटिटीज डिफाइन करनी है, देयर एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे ये मैंने बनाए हुए, ठीक है, एंटिटीज एंड देयर एट्रीब्यूट्स। इसमें क्या है, देखें जो हमारे पास चार मॉड्यूल थे, एडमिन, यूजर, डॉक्टर एंड मैनेजर, हमने इसकी जो एंटिटीज होती हैं वो लिखने, एट्रीब्यूट्स लिखने, ठीक है। वो क्या होती है, मिसाल के तौर पर एडमिन है, एडमिन के पास क्या क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे एडमिन है, जैसे आप यूज़र हो, आप मिसाल मैं आपको आपकी एग्जांपल दे दूँ, जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपके पास आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड होना चाहिए। इसी तरह से जो होता है यहाँ पे एडमिन के लिए उसकी एक आईडी होगी, उसका नाम, उसका पासवर्ड, उसका एड्रेस, मज़ीद भी आप जितनी इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यूज़र की भी ये सारी चीज़ें होंगी, मैनेजर की भी होंगी, डॉक्टर की भी ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि आईडी, नेम, पासवर्ड ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सारी चीज़ें होंगी। सो ये हमारे पास एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स आया। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन बताया कि आपने ERD बनाना है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाना है, किसका बनाना है, इसी का बनाना है जो हमारे पास यहाँ पर ऊपर था ना, एंटिटीज एंड देयर एट्रीब्यूट्स, ये हमने इसी तरह से लिख लें। इसके हम लोगों ने अभी क्या करना है, रिलेशनशिप बनाना है।
सो रिलेशनशिप में होता क्या है, देखें रिलेशनशिप में इनका आपस में रिलेशनशिप बनाया जाता है। यहाँ पे ये तो बेसिकली जैसे ऊपर था वैसे ही हम लोगों ने लिख लिया, जहाँ पे ये भी मैंने डिफाइन किया था ये इसी तरह से हम लोगों ने नीचे इसको लिख लिया। अब रिलेशनशिप में क्या है कि एडमिन है, कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है, ये मैंने यहाँ से लाइन लगा दी इस तरह से, ठीक है, ये मैनेज लिख लिया यहाँ पे कि भाई ये इनका आपस में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। आपने ये चीज़ गौर से देखनी है, ये जो यहाँ पे लाइन लगी हुई है ना इसका मतलब होता है वन, और ये जो सर्कल है ना इसका मतलब होता है मैनी, मतलब एडमिन वन हुआ और कस्टमर मैनी हुए, यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप हुआ। क्यों? क्योंकि एडमिन एक ही होता है और कस्टमर कई सारे होते हैं, ठीक है। सो वन टू मैनी रिलेशनशिप इनके दरमियान में हुआ। उसके बाद हमारे पास सेकंड वन क्या आता है, सेकंड वन में हमारे पास ये आता है कि भाई कस्टमर का डॉक्टर्स के साथ रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। कस्टमर का डॉक्टर के साथ मैनी टू मैनी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर भी हो सकते हैं और बहुत सारे कस्टमर भी हो सकते हैं जो उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में जैसे काफ़ी सारे डॉक्टर होते हैं और काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर और मैनेजर का ये भी मैनी टू मैनी होगा, क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्टर हो सकते हैं और काफ़ी सारे मैनेजर भी एक हॉस्पिटल के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें एडमिन एंड डॉक्टर का क्या हो सका, ये वन टू वन होगा, क्यों? क्योंकि एडमिन इज़ अ डॉक्टर, एडमिन डॉक्टर भी हो सकता है और डॉक्टर जो है वो एडमिन भी हो सकता है। सो ये क्योंकि डिपेंड करता है ना डॉक्टर, जाहिर सी बात है एडमिन है वो डॉक्टर भी हो सकता है, अगर वो डॉक्टर है तो वो एडमिन भी हो सकता है। यहाँ पे वन टू वन रिलेशनशिप होगा। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट वन कस्टमर टू मैनेजर है, ये भी मैनी टू मैनी होगा, क्योंकि कस्टमर भी कई सारे हो सकते हैं, ठीक है, और मैनेजर भी कई सारे हो सकते हैं। सो ये बेसिकली सिंपल सा डायग्राम है। अच्छा, ये तो मैंने बना दी, अब अगर इसको आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, मतलब ये वाली फाइल आपको चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपने ऐसा करना है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप लोगों ने इनकी जो कलरिंग है ना वो चेंज कर देनी है। कैसे करनी है देखें, इस पर क्लिक करें, इस वाली शेप पे जो आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, सो इसके देखें फॉर्मेट ओपन होगा और यहाँ से देखें इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टिक कलर हैं, तो आप इस तरह से चेंज करके अपनी असाइनमेंट्स को थोड़ा डिफरेंट बना सकते हैं एंड देन अपलोड कर सकते हैं LMS में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में। ओके, थैंक्स, बाय।